गाइस तो मैं हूं विशाल एंड वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल भीम मैकेनिकल में। तो दोस्तों मेरे बैक में देख पा रहे होंगे आप कहां खड़ा है, तो फंड राइडर में। और आज हमारे वर्कशॉप में एक यामा वर्जन 3 मॉडल की बाइक आई है जिसमें हम एग्जॉस्ट फिटिंग करने वाले हैं। तो प्रॉपर फिटिंग की पूरा वीडियो आपको देने वाला हूं इस वीडियो में आपको, जो कि एग्जॉस्ट लगने वाला है एक्रा फैब्रिक का। मैं दिखाता हूं आपको सामने से बाइक। तो गाइस कुछ इस प्रकार से हमारा बाइक है यामा वर्जन 3 और कम्प्लीटली से फिटिंग होने की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए सामने से इसका जो साइलेंसर है वो उतर चुका है और ये देखिए इसका बैंड पाइप है कंप्लीट, अभी इसमें फिटिंग होना बाकी है। हेलो, जो सामने का बैंड पाइप है वो अभी फिटिंग हो रहा है। तो गाइस जो सामने से बैंड पाइप इस प्रकार से फिट हो गया, इसका साउंड भी मैं सुनाऊंगा आपको पूरा प्रॉपर फिटिंग होने के बाद। तो दोस्तों अभी डेमो के लिए भी लगाए हैं इस बाइक में इस एक्रा फैब्रिक के साइलेंसर को, बट अभी पूरा कंप्लीट फिटिंग नहीं हुआ है और बढ़िया से फिटिंग करना है। तो कुछ इस प्रकार से फिटिंग का नज़ारा है और जब कंप्लीट फिटिंग हो जाएगा तो उसके बाद इसका जो आवाज़ है वो भी मैं सुनाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ये बाइक जो है RM5 वर्जन 3, उसके ऑनर ये है। और ये कहाँ से आए भैया आप? पेटरवायर बोकारो साइड से आए। और बोकारो साइड से आप यहाँ रामगढ़ आए हैं साइलेंसर फिटिंग कराने के लिए, और परचेज भी इन्हीं ये यहीं से किए हैं ये साइलेंसर को। तो सामने हमारा वर्कशॉप है फंड राइडर, तो वहीं ये फिटिंग करवा रहे हैं। और कैसा लग रहा है फिटिंग करा के भैया, आपको कैसा फील आ रहा है इस साइलेंसर को? बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज़ बहुत अच्छा आ रहा है ना? क्या सोच के फिटिंग करवा रही है इसे प्रॉपर, मतलब कि लुक बढ़िया बढ़ाने के लिए कि कुछ साउंड के लिए करवा रहे हैं, मतलब आपको पसंद है ये ना इसलिए? चलिए बहुत अच्छा बात है। और क्या क्या मतलब इसमें ऐड करवाना है मॉडिफिकेशन के लिए भैया आपको? और अच्छा मिरर आप लगवा रहे हैं ना, मिरर निंजा वाली जो आती है वो मिरर लगवा रहे हैं ना? अच्छा तो गाइज वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा प्रकार का आपको इसमें जो मिरर है वो लगने वाला है, इंस्टॉल होने वाला है। तो गाइज अभी ये फिटिंग होने वाली है, ये जो मिरर है ये इंस्टॉल होगी इस बाइक में। और यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लिंकर है इसमें, तो कंप्लीट ब्लिंकर का भी काम करेगा ये मिरर के साथ साथ। और ये निंजा वाली जो है वो पूरे मिरर है। तो कंप्लीट फिटिंग होने के बाद मैं इसका भी वीडियो दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से शो कर रहा है ये ब्लिंकर के साथ मिरर। दोनों मिरर अपने पास है, दोनों को फिटिंग करनी है। और क्या है इसमें फिटिंग करने के लिए भाई? तो गाइज इसमें कंप्लीट जो मिरर है उसको लगाने के लिए आपको पूरा आगे का जो है वो इसका विंडशील्ड खोलना पड़ेगा, तब जाके ही आपका मिरर सूटेबल टाइप में इसमें लग पाएगा और ही इसका लुक बढ़ पाएगा। आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि कितना मधुर और कितना अच्छा इसका आवाज़ आ रहा है, कंप्लीट एकदम बहुत अच्छा इसका आवाज़ आया है और बहुत बढ़िया भी लग रहा है साउंड इसका। कोई तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिटिंग में भी कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं भैया, कम्प्लीटली बहुत बढ़िया फिटिंग हुआ है। तो दोस्तों जिस किसी को भी हमारे शॉप में इस प्रकार से एक्रा फैब्रिक या किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन का साइलेंसर लगाना हो, हमारे शॉप पे फंड राइडर पे विजिट करें। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे एड्रेस, ये दुकान है हमारा, आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और इस प्रकार का मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। तो जिनका ये गाड़ी है उनसे भी बात कराते हैं किस प्रकार से काम उनको कैसा लगा, सही लगा कि क्या, और कैसा फिटिंग दिए, सर्विस हम लोग कैसा था वो बात करते हैं। तो भैया आपका गाड़ी में तो कंप्लीट मिरर वगैरह ब्लिंकर और साइलेंसर फिटिंग हो गया, आपको काम कैसा लगा भैया हमारे यहाँ का वो बताइए थोड़ा? बहुत बढ़िया। और कंप्लीट कैसा एकदम जब सूटेबल इसमें फिटिंग हुआ तो कंप्लीट आवाज़ अच्छा रहा था ना? अच्छा रहा, भी आवाज़ नहीं। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भैया हमारे यहाँ से? चलिए सर थैंक यू भैया, बाकी आप आते रहें ठीक है। दोस्तों देख पा रहे हैं इस प्रकार से किसी को भी लगाना है तो हमारे शॉप पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम, ख्याल रखें सभी को अपना। और इस प्रकार से मॉडिफिकेशन कराने के लिए हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं फंड राइडर पे। गाइस जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें निंजा का जो मिरर होता है और इंडिकेटर ब्लिंकर होता है वो इंस्टॉल कर दिया गया है RM5 वर्जन 3 मॉडल में। और कंप्लीट जिसका एक्रा फैब्रिक का जो साइलेंसर होता है बैंड पाइप के साथ वो कंप्लीट इसमें इंस्टॉल किया गया है, उसका मैं आवाज़ आपको सुनाता हूँ। गाइस इसमें TV क्लियर भी लगाया गया है, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे।